हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल हैव बीन डूइंग वेल अबाउट योर हेल्थ एंड आई विश यू ऑल दैट यू मस्ट टेक केयर अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर इम्यूनिटी लेवल टू फाइट अगेंस्ट दिस कोरोना वायरस कोविड 19, द एटमोसफियर यू नो विच हैज़ क्वाइट बीन इफेक्टेड not only India but all over the world. The number of patients have been increasing so much rapidly. So in this condition, in these circumstances, we all have to be very, very careful about our health. But as Shakespeare has said, the show must go on. We have to fight against this COVID-19, but we have to work अबाउट आवर स्टडीज. हमारी पढ़ाई भी रुकनी नहीं चाहिए, इसीलिए हमारा जो प्रयास है इस YouTube चैनल के माध्यम से, मैं इस चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने हमारा बड़ा सहयोग किया है और बार बार हमें अप्रिशिएट भी किया है. और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, कॉमेंट्स दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू डियर वंस. नाउ इन द लास्ट वीडियो ऑफ एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म, एक्टिव से पैसिव सेंटेंसेस को चेंज करने के रूल्स में ये लास्ट वीडियो है. इम्परेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरह एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, आज इस वीडियो हम लोग सीखेंगे. आइए, सबसे पहले हमें ये तो जानना ही चाहिए, एक बार रिमाइंड जरूर कराना चाहिए कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या है. एक वीडियो में शुरू में ही हमने आप लोगों को टेंसेस के सेंटेंसेस के टाइप बताए थे, तो वो होते हैं एफर्मेटिव साधारण वाक्य, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, इम्पेरेटिव आज्ञावाचक, देन एक्सक्लेमेटोरी विस्मय सूचक या विस्मयवाचक, एंड ऑप्टेटिव इच्छा सूचक, भाव सूचक, हमारी भावनाओं को व्यक्त करने वाले वाक्य. ठीक है, तो आज्ञावाचक वाक्यों की एक विशेषता है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता या सब्जेक्ट हिडन होता है. जैसे हम किसी से कहते हैं ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, शट द विंडो, खिड़की बंद कर दो, तो इसमें यू छिपा हुआ है लेकिन वो है नहीं. तो विदाउट सब्जेक्ट होते हैं, तो इसको हम जब पैसिव में चेंज करते हैं तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा रूल है, आइए हम सीखेंगे. तो लेट का यूज़ करते हैं इसमें सिंपली, लेट देन ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 एंड फुल स्टॉप, बिकॉज सब्जेक्ट है नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं है. आपने गौर किया होगा कि एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ एंड वह थी बी. मैंने शुरू में आपको बताया था जब हम एक्टिव और पैसिव का बेसिक एक वीडियो में समझाया था कि एक ही हेल्पिंग वर्ब को हम लगाकर एक्टिव से पैसिव चेंज कर लेंगे, एंड दैट इज बी. यहाँ भी देखिए बी है. एग्जाम्पल पर आइए सीधे सीधे. कोई भी एग्जाम्पल ले लें, शट द डोर. इसमें आप देखेंगे शट वर्ब है, डोर ऑब्जेक्ट है, तो हम इसे पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले लेट, देन द डोर, बी शट. लेट द डोर बी शट. एक तरीका इसका और भी है, अगर हम ऐसे ना करना चाहें तो ये हम पहले क्लियर कर लें कि ये ऑर्डर है, एडवाइज या रिक्वेस्ट है. रिक्वेस्ट की पहचान ध्यान रखिए, प्लीज़ लगा होगा, तो ये एडवाइज या ऑर्डर, ये ऑर्डर है. दरवाज़ा बंद करने की हम सलाह नहीं दे सकते, तो हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू. बाकी सारा सेंटेंस सेम आ जाता है, शट द डोर, You are ordered to shut the door. ऐसे भी कर सकते हैं. इसी तरीके से अगर यहाँ पर इसी example को सेम हम प्रार्थना कर दें, रिक्वेस्ट कर दें, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, सेम example है, Please shut the door. Please में इतनी power है कि वो please लगते ही आज्ञा से प्रार्थना बन जाती है. कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है, वाहन तक नहीं पहुंच पा रहा है,
तो उसने कहा कि प्लीज़ शट द डोर, जरा बेटा दरवाज़ा बंद कर दीजिए। या किसी दूसरे से हम कहते तो उसके लिए बड़ा ईजी है, प्लीज हटाएंगे और यहीं पर लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड, और बाकी सारा सेंटेंस सेम उतार देंगे टू शट द डोर, हो गया। तो इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव को हम इम्परेटिव सेंटेंसेस को चेंज करेंगे, ठीक है। आइए कुछ और रूल्स देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, आप ध्यान से एक बार देख सकते हैं इसे, फिर मैं इसे साफ कर दूँ। अब जैसे एडवाइस का यूज कहाँ से करेंगे, तो एक एग्जाम्पल होगा टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, अपनी दवाएं निरंतर लेते रहें। तो सिंपल है, दवा जब किसी से हम कहेंगे लेने के लिए तो उसकी एडवाइज ही होगी, ऑर्डर तो नहीं हो सकता। इसको हम बहुत आसानी से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, यही लिख देंगे यू आर एडवाइज्ड टू, बाकी सारा सेंटेंस सेम उतारेंगे टेक योर, बाकी सारे सेम, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इसमें, सिंपल इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर लें। अच्छा, एक और एग्जांपल मुझे बहुत अच्छा लगता है, कई बार आ चुका है, बोर्ड में भी आता रहता है, बहुत छोटा सा एग्जांपल है डू इट। तो जिसे पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, लेट इट बी डन, इसी को अगर हम कर देंगे प्लीज डू इट, तो अब ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट, ठीक है। अब एक चीज और बची, वो है नेगेटिव। नेगेटिव का रूल हम कैसे लिखेंगे, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी वी थ्री, केवल हमने अपने पास से बी लगाया, नॉट वैल्यू होगा ही होगा। एग्जाम्पल जरूर देखें इसका, डू नॉट शट द डोर। तो हम इसे पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, लेट द डोर नॉट, फिर नॉट के बाद बी एंड शट, हो जाएगा लेट ऑब्जेक्ट द डोर नॉट बी शट। इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव चेंज कर लेंगे। इसी को थोड़ा और सा मोल्ड करते हैं, अगर हम एक एग्जांपल लिखें डू नॉट शट द डोर और लास्ट में लिख दें प्लीज, सो इट डजेंट मैटर दैट प्लीज स्टार्ट द सेंटेंस और एंड द सेंटेंस, इन बोथ द कंडीशन इट इज अ रिक्वेस्ट। तो चाहे प्लीज पहले आए या बाद में आए, रिक्वेस्ट हो गया, अब चेंज करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, अब डू नॉट है तो डू नॉट को चेंज करेंगे नॉट टू और बाकी सेम उतार देंगे शट द डोर, ठीक है। या कई बार हम एक और आप कहीं सुनेंगे, कोई बताएगा यू आर फॉरबिड भी लगा सकते हैं, जैसे डू नॉट शट द डोर को कर देंगे, अगर इसमें से प्लीज ना हो
चलिए दोबारा से लिख देंगे, डू नॉट शट द डोर। अगर हम ऑर्डर ना लिखें, जैसे एक ऑप्शन तो ये हो गया, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू शट द डोर, आपको आदेश दिया जाता है कि आप दरवाजा ना बंद करें। अगर हम डू नॉट को नेगेटिव में यूज ना करें तो एक तरीका ये भी है, यू आर फॉरबिड टू शट द डोर, आपको दरवाजा बंद करने से मना किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंसेस को चेंज कर लेंगे। ये इंपरेटिव सेंटेंस था, कैसा लगा? अच्छा लगा हो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया हो तो अब तक तो अब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और इसके बाद हम ग्रामर की किसी और स्किल के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में रूल समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर स्टडीज, बाय, टेक केयर।